अस्सलाम वालेकुम गाइस, राम राम, सत श्री अकाल और हाजिर हैं न्यू ब्लॉग के साथ गाइस। तो गाइस मैं आज मैं ऊपर आ चुका हूँ क्योंकि मैंने कल का ब्लॉग नहीं डाला था, तो मैंने कहा आज मैं ब्लॉग बना के रहूँगा। गाइस कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, सबको ही पता है गाइस आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जगह जगह पर, तो यहाँ पर भी गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हद से ज़्यादा बारिश हुई है गाइस। जिस टाइम मेरे को ऊपर आना था उस टाइम भी बारिश हुई, जिस टाइम नहीं आना था उस टाइम भी बारिश हुई, तो मैं गाइस मैं ऊपर नहीं आया क्योंकि किचपिच में कबूतर क्या खोलूँ और क्या दिखाऊँ आपको, अंदर भी किचपिच हो रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था और उन्होंने वीड भी काफ़ी कर रखी थी, तो वो भी उनको सफाई करनी थी। मैंने कहा पहले मैं वीडियो बनाऊं या फिर सफाई करूं, क्या करूं गाइस, मेरी उलझन आ रखी थी और मेरे भाई ने बहुत दुखी कर रखा है, क्योंकि इसलिए उसने काफ़ी ऊपर पतंग का मांजा फैला रखा था, ये देखो अभी भी है, ये देखो मेरे हाथ में है, और उसने काफ़ी फैला रखा था मांजा वगैरह, पतंग वगैरह काफ़ी फेंक रखी थी उनने। मैंने बहुत सारी पतंगें उठा के कूड़े में डाली है डिब्बे में और उसका मांजा उठा उठा के फेंका है काफ़ी, तो उसको देख के गाइस में चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी कि इनने इतना सारा फलावा कर रखा है। ऑलरेडी इतना गंद मचा पड़ा था छत के ऊपर कि आप समझ सकते हो जब बारिश होती है और कबूतर की वीट पड़ी होती है ना, तो छत के ऊपर आते हुए ना एक घिन चढ़ती है, एकदम चिड़चिड़ाहट होती है कि सफाई करना पड़ेगी, अब दोबारा सारी सफाई करना पड़ेगी और फिर ऊपर से उनने मचा रखा था गंद, तो इसलिए गाइस मैंने सारा पहले समेटा, अच्छे से छत को साफ करा, क्लियर करा, उसके बाद मैंने धाबली को अच्छे से साफ करा, जोड़े वालों को गाइस खोल के मैंने उनको अंदर का थोड़ा साफ करके फिर उसको दाना उना खिलाया, पानी उनी पिला उला के फिर उनको अंदर करा। तो गाइस ऐसे मेरा कल का दिन गुजरा है, वो भी थोड़ा सा बेकार ही गुजरा है, कुछ खास नहीं गुजरा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब नेक्स्ट दिन बनाऊंगा ब्लॉग, अभी बेकार है गाइस, दिमाग ख़राब होगा खाली मिली में, बना के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और आप लोग भी गाइस सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल भी मेरी वीडियो को नहीं देख रहे गाइस, मेरे वॉच टाइम बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे, जब से इतने के इतने अटके पड़े हैं गाइस, 2100 पे अटके पड़े हैं, मतलब 2100 पे अटके पड़े गाइस, बढ़ने का नाम नहीं ले रहे गाइस, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो मेरी वीडियो, अगर देखते हो थोड़ी लंबी करके देख लिया करो गाइस, पूरी वीडियो देख लिया करो आप लोग, आप लोग से ही मैं इतना आगे बढ़ाऊँगा, आप सब्सक्राइब मेरे माशाल्लाह नज़र न लगे मगर इस 1000 से ऊपर हो गए, ठीक है 1090 कुछ हो गए, तो आप सोच लो आप इतने आपने सपोर्ट किया इतना हो गया है, तो गाइस वॉच टाइम भी कर दो जो कि मैं मेरा चैनल इंक्रीज हो जाए, मोनेटाइज हो जाए, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, ठीक है गाइस, तो मैं चाहता हूँ मैं आगे बढ़ना, तो आप लोगों के चक्कर में आगे बढ़ूंगा ना मैं, आप लोग सपोर्ट करोगे, जब लोग आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो मैं कहाँ से आगे बढ़ूंगा गाइस, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाओ, और ठीक है गाइस मैंने आपको बोल दिया है, बस आपका काम है मेरा चैनल को देखना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ये देखो पन्नी गिफ्ट में मिली है मुझे, पता नहीं कहाँ से गिर गई आगे, कबूतर देख लो गाइस, आज मैंने वो लगा दिया था गद्दा नीचे, ये देखो इसके पिंजड़े के ऊपर ना, इस जाल के ऊपर मैंने गद्दा लगा दिया था, पलंग लगा दिया था ताकि पानी अंदर ना जाए, और देखो शुक्र अल्लाह का कि पानी नहीं गया, क्योंकि रात को मैंने सफाई भी की थी, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बट गाइस देखो पर झाड़ चल रहा है इनका, तो थोड़ा बहुत तो पर नीचे गिरेंगे गिरेंगे, वो तो मैं बटोलता नहीं रहूँगा दिन भर, तो पर तो होंगे ही होंगे, बस ये है कि हर दिन पर डे इनकी सफाई करनी होती है, वो मैं करता हूँ गाइस, मुझे कमेंट किया था कि हर दिन सफाई करा करो, पत्ती मार दिया करो, तो गाइस मैं रोज पत्ती उत्ती मारता रहता हूँ, सफाई वफाई करता रहता हूँ, मैं सबकी बात मानता हूँ, सबकी सुनता हूँ गाइस, तो सबका कॉमेंट का जवाब भी देता हूँ, तो आप लोग जानते हो मेरी बात को, तो ठीक है गाइस देखो आप मेरे कबूतर, और देखो इन्होंने आज फिर से एक निकाल दिया है, ये लोग अपना भारी भारी दो दो क्विंटल का वजन रख के, वो वाला निकाला है सामने वाला क्विंटल का वजन रख के निकाल देते हैं, तो इनको आज मैं खोलूंगा बाहर गाइस, क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं गाइस, हाँ 11 बज रहे हैं, आज मैं इसलिए खोलूंगा गाइस क्योंकि कल सुबह और कल शाम दोपहर मैंने इनको खोला नहीं है बिल्कुल भी, अंदर के अंदर ही नहीं, अंदर का अंदर ही दाना डाला है इनको, तो अब इनको थोड़ी देर के लिए खोलूंगा, बाहर की हवा दूंगा थोड़ा बहुत, क्योंकि सुस्त से हो जाते हैं कबूतर अंदर बंद हुए। तो गाइस 3 बच्चों का रहा मैटर जो मैंने बताया था आपको, वो 3 बच्चों का मैटर ये था गाइस, मैंने पापा को बोला कि भेजने के लिए दे आओ जाके, जब पापा देने गए तो वो जिसका दुकान पे घर है ना, वो कबूतर बहुत सारे बीमार वहाँ पर रहते हैं, वो था नहीं, लॉक लगा हुआ था, वो कहीं गया हुआ था अंदर दाना पानी डाल के उनको, तो पापा ने पूछा कब आएंगे वगैरह, 2-3 दिन बाद आएंगे, कहीं गए हुए हैं दूर वो, तो ऐसा हुआ, फिर पापा घर पे लिया, पापा ने कबूतरों को तीनों को अलग कर दिया है, इस पेटी में कर दिया है, पेटी दिख रही है आपको, ये पेटी में कर दिया है, ड्रॉप वगैरह दवाई वगैरह प्रॉपर डाली जा रही है उनको, तो बस यही है गाइस, बाकी कबूतर मेरे इधर हैं, आधे उधर हैं जोड़े वाले, तो एक जोड़े वाला मैंने अलग कर दिया है, मैं दिखाता हूँ आपको, पहले दिखा दे दो उसके बाद खोलता हूँ,
मैंने एक जोड़ा अलग कर दिया। गाइस देखो कोई फायदा नहीं था, वो कबूतर काला उड़ नहीं रहा था तो कबूतर खराब करता, वो ऊपर बैठता तो और भी कबूतर उसके चक्कर में खराब होंगे गाइस। तो मैंने कहा डेफिनेटली इसको अलग करना बनता है या फिर बेचना बनता है, मगर गाइस वो कबूतर अच्छा है, उसके जो भी बच्चे निकलते हैं ना वो काफ़ी अच्छे उड़ान के निकलते हैं और फिरते नहीं है कहीं भी। तो मैंने कहा इससे बढ़िया मैं जोड़े में ना डाल दूँ, कबूतरी भी काली है और जोड़े के लिए बढ़िया भी है, तो मैंने उसको जोड़े में ही डाल दिया। ये देखो वाह, इस काले ने तो हद कर दी, बिल्कुल ही मारा जा रहा है इसके खाने में घुस के। ये तो चल अंदर अपने खाने में, पता नहीं क्या मिलता है इनको लड़ लड़के। तो पहले मैं ना इनको खोल देता हूँ ऐसे करके ताकि ये थोड़ा सा बाहर कंफर्टेबल। अंडा दिया है, अंडों पे कोई नहीं बैठ रहा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है गाइस। पता नहीं इनको क्या हुआ है, अंडों पे बैठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इनको कुछ हुआ है गाइस, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मगर ये अंडों पे बैठने का नाम ही नहीं ले रहे बिल्कुल भी। और बच्चे की तो आँख ठीक होने पर आ ही नहीं रही है, पता नहीं टांग से भी बेचारा लंगड़ा है और ऊपर से आँख भी खराब है गाइस इसकी। तुम चलो अंदर, मुझे शांति से कुछ काम करने दो, हटो, जिस काम से मैं आया हूँ वो काम करने दो मुझे। अंदर जाओ बेटा, अंदर जाओ दो मिनट। तो देखो गाइस ये है जोड़ा, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो। अरे यार एक तो ये देखने नहीं देती, देखो ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो देख रहे हो आप, चोटियल कबूतरी है जो मैं लेके आया था काली वाली, और जो काला वाला कबूतर ना देसी कबूतरी से लगा हुआ था वो मैंने काट के इसके साथ डाल दिया गाइस, क्योंकि ये काले काले हैं और ऊपर से फिर वो कबूतर जल्दी उड़ता नहीं है, बिठाल देगा कबूतरों को गोला ही है, तो मैंने कहा जोड़े में डाल, थोड़ा पुराना टाइप का है, कबूतरी भी पुरानी है, कबूतरी को उड़ाना नहीं था गाइस, क्योंकि वो उन्होंने पहली वार्निंग दी थी मुझे कि अगर अभी आपने उड़ाया तो वो भाग आएगी, जो कबूतरी करोल बाग से भाग, मतलब कि करोल बाग से लाया मैं कबूतरी, तो वो पता नहीं कहाँ की कबूतरी थी, उन्होंने अपने कबूतर बेच दिए थे पहले, तो उसमें से एक कबूतरी भाग के आई थी, बाकी तो मेरे नए कबूतर हैं जो लेके आया हूँ मैं, बाकी वो कबूतरी उनकी पुरानी है, तो उन्होंने वो पुरानी कबूतरी दी है मुझे, मैंने जिद करके लिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो दे नहीं रहते, मगर जिद करके लिए जोड़े में डालूंगा, तो मैंने ले लिए गाइस। बच्चे उच्चे लेंगे, उसके बच्चे देखेंगे कैसे निकलेंगे, चोटियाँ निकलेंगे गाइस सीजन में, उनको भी उड़ाएंगे गाइस। अब मैं ऐसा करता हूँ इनके अंडे फेंक देता हूँ, जो मुझसे पापा ने कहा था मैं वही करूँगा गाइस। पापा ने कहा था इस पेटी को ना, इन पेटियों को कंफर्टेबल नहीं हो रहे कबूतर लंबाई में, और गीली गीली से हो जाती है जब ये पोटी करते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा करूँगा अंडे फेंक दूंगा और दूसरी पेटी लगाऊंगा अंदर, ताकि सूखा रहे और इनका इनका जो है मन लगा रहे अंदर, तो बस वही करूँगा मैं, बाकी तो अंडे फेंक देता हूँ। तुम्हारे अंदर तुम्हारे बस के नहीं है अंडों को रखना, तुम तो खराब और सड़ा दोगे, चलो हट निकल इधर से। देख रहे हो अंडों में कोई लज्जत नहीं है, खराब कर दिए अंडे, ठंडे पड़े हुए गाइस, रत्ती भर नहीं बैठे होंगे ये अंडों पे, रत्ती भर जिसे कहते बैठना। तो देखो मैं अंडा फेंक रहा हूँ गाइस, ये गया पहला अंडा, देखो वो टैक, फिर गया दूसरा अंडा, वो देखो फटैक, ठीक है दोनों का कर दिया काम और तमाम, दोनों फेंक दिए गाइस मैंने, जो इसलिए फेंके गाइस देखो फेंकना जरूरी था, वो पड़े रहते खाली मिल में, सड़ सड़ा जाते, सड़ तो गए होंगे गाइस, दो कि तीन चार दिन होगा दिए अंडे उनको, और सड़ तो इमीडिएटली गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है सड़े नहीं होंगे गाइस, तो सड़ तो गए होंगे। और रही पेटी का मैं ये रखूँगा, ये वाली पेटी रखूँगा उसके अंदर, ठीक है मैं उसी के अंदर पेटी रखूँगा तो ठीक रहेगा गाइस, ठीक है। और रहा इनका, तो मैं इनको खोलूँ कि नहीं खोलूँ, मैं ये सोच रहा हूँ गाइस, वैसे तो गोलों का टाइम ख़राब हो जाता है अगर मैं टाइम बाय टाइम खोलूँगा, एक चीज़ से मेरे को समझ में आया है, क्योंकि जिनसे मैं लेके आया हूँ ना उन्होंने ये कहा था कि एक टाइम खोलना, कि सुबह मत खोलना शाम के टाइम खोलना, क्योंकि नए कबूतर शाम को ही खोले जाते हैं ताकि वो ऊपर नीचे होके और छत देखते हैं, तो ऐसा कुछ उन्होंने मुझसे कहा था गाइस, मुझे इतना ऐसा नॉलेज नहीं थी गाइस, तो मैंने नॉलेज लेता रहता हूँ इन चीज़ों की, आप लोग भी बोलते हो तो मैं इससे भी मुझे नॉलेज मिलती है। और तो गाइस मैंने सोचा है कि अब शाम को ही खोलूँ इनको, क्योंकि ये कबूतर वैसे हैं उड़ने वाले हैं, जोड़े वाले थोड़ी ना जो एंड टाइम खुलते रहें, तो जोड़ा उड़ा खाते रहें दाना पानी खाते रहें, मगर ये तो ऐसे कबूतर हैं कि शाम को खुलेंगे तो दाना खाएंगे तो अंदर जाएंगे सीधा, और उड़ते हैं तो उड़ने वालों को तो एक टाइम खोला जाता है, मैं सोच रहा हूँ उन्हें खोल देता हूँ, चूँकि इसलिए वो तो वैसे भी गंवार ही हैं अनपढ़ हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं खोल देता हूँ, और बेफालतू में अंदर भी नहीं जाएंगे बाद में, तो इसलिए इन्हीं को खोल देता हूँ गाइस, ठीक है। अभी देखना गाइस वो छोटे कबूतरी निकलेगी ना, देखो दिखाऊंगा आपको, क्लियर ही दिखेगा, फिर जल्दी आ जाओ, ये देखो ये आ गए, ये रे वो दोनों, ठीक है गाइस, ये चोटियल और ये काला, ये दोनों ये रे चल रही, यही है गाइस दोनों, इन्हीं से जोड़ा लगाया मैंने एक दूसरे में, ठीक है गाइस। तो गाइस मैंने अपना ब्लॉग बना लिया है और आपने देख लिया मेरा ब्लॉग, अब आप देख ही रहोगे
तो गाइस प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे 4000 सब्सक्राइब सॉरी हाँ सब्सक्राइब भी कंप्लीट करो, और मेरे जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फुल मेरी वीडियो को देखो, अच्छे से देखो गाइस, करीब ही जाके देखो तब आपको अच्छी भी लगेगी और उसमें मज़ा भी आएगा आपको। तो और मेरे जो वॉच टाइम है वो 4000 कंप्लीट हो जाएंगे, 1900 बचे हैं, मतलब कि 1900 बचे हैं, तो वो भी आप कंप्लीट कर दो जल्दी से, मेरा चैनल बस मोनेटाइज हो जाए, बाकी कोई टेंशन नहीं है, फिर तो मैं अपने एक अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा गाइस। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।